नमस्कार। लाइफ में इन तीन चीजों से बच के रहना, इन तीन चीजों को आप करोगे तो प्रेजेंट में, लेकिन इसका रिजल्ट आपको इन फ्यूचर में मिलेगा। हो सकता है कि अभी आपको सम टाइम के लिए प्रॉफिट मिले, सम टाइम के लिए एंजॉय मिले, सम टाइम के लिए आपके मन को आनंद की अनुभूति हो, लेकिन इन फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान दे जाती है तीन चीजें। ये कभी भी आप अपने लाइफ में मत करना। थोड़ी देर की खुशी और आपका फ्यूचर बर्बाद, ऐसा कभी मत करना। ये चीजें हमेशा प्रेजेंट में होती है और लोगों को आनंद भी मिलता है, लोगों को खुशी भी मिलती है, लेकिन जब इसका रिजल्ट आता है ना, तब पता चलता है कि वाकई में क्या हुआ है। नंबर वन, झूठ। आप किसी व्यक्ति से झूठ बोलोगे ना तो उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, सामने वालों को पता नहीं बोले पड़ेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब पता चलेगा साल दो साल बाद जब पता चलेगा कि आपने झूठ बोला, तो उस वक्त आपका क्या होगा? उस वक्त आपकी लाइफ खराब हो सकती है। वो इंसान सदा सदा के लिए आपसे रिश्ता तोड़ सकता है और उसका विश्वास सदा सदा के लिए आपसे टूट सकता है। महावीर कर्ण का नाम सुना होगा, अर्जुन के बाद सबसे बड़ा धनुर्धर था। उन दोनों में हमेशा धनुर्विद्या को लेकर कंपटीशन चलता था। वीर कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण गुरु द्रोण ने उनको धनुर्विद्या देने से मना कर दिया, तो महावीर कर्ण भगवान परशुराम के पास जाते हैं एक ब्राह्मण का वेश धारण करके, और भगवान परशुराम को कहते हैं कि हे परशुराम, मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं, मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। कर्ण ने यहां झूठ बोला भगवान परशुराम से। कर्ण सूत पुत्र थे और भगवान परशुराम से झूठ बोला कि मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूं और मुझे धनुर्विद्या सिखाइए, क्योंकि भगवान परशुराम किसी ब्राह्मण के अलावा किसी को भी धनुर्विद्या नहीं सिखाते थे। धनुर्विद्या जब कर्ण ने सीख ली और तब भगवान परशुराम को पता चला कि कर्ण ने मुझसे झूठ बोला है, ये ब्राह्मण पुत्र नहीं, ये सूत पुत्र है। तो भगवान परशुराम कर्ण को श्राप देते हैं कि जो तूने मुझसे जो विद्या सीखी है ना, ये धनुर्विद्या, इसकी जब तुझे भविष्य में सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी ना, तब मेरी ये विद्या तू भूल जाएगा। और वाकई में यही हुआ। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है महाभारत में, तो जब कर्ण को उस धनुर्विद्या को वहां जरूरत पड़ती है अर्जुन के खिलाफ, तब कर्ण भूल जाता है अपनी धनुर्विद्या। सिर्फ एक झूठ के कारण अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी कर्ण ने, क्योंकि झूठ तो उस वक्त बोला था, लेकिन रिजल्ट काफी टाइम बाद आया और एक झूठ के कारण उस कर्ण को मृत्यु की तरफ जाना पड़ा। इसलिए जीवन में झूठ कभी मत बोलना। अगर आप झूठ बोलोगे तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको प्रॉफिट मिले, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा ना झूठ का, तब आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। धोखा। अगर आप किसी को धोखा देंगे ना, सामने वालों को पता नहीं चलेगा, ठीक है आपने धोखा दिया, सामने वालों को पता नहीं चला, आपका अपना बेनिफिट हो गया, लेकिन जब उसे पता चलेगा तो आपका क्या होगा? क्षणिक टाइम के लिए, सम मोमेंट के लिए, सम खुशी के लिए आप खुश हो जाओगे, लेकिन जब उस धोखे का रिजल्ट आएगा और सामने वाले को पता चलेगा इसने मेरे साथ चीटिंग की, इसने मेरे साथ गद्दारी की, तब आपका क्या होगा? लाइफ में आगे बढ़ना होना तेज गति से, तो किसी को धोखा मत देना। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना। जब आपने किसी को धोखा दिया, इसका मतलब आपका पतन शुरू। बहाने बनाना। लाइफ में कभी भी अपने आप से बहाने मत बनाना। बहाने कैसे कैसे होते हैं? अरे यार ये काम तो मुझसे नहीं होता है यार, अरे यार काम टालने की आदत, अरे यार ये काम कर लेंगे यार, अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है यार, अरे यार वो काम करना है लेकिन करेंगे यार। बहाने बनाना। इतना सारा, इतना ज्यादा काम मेरे से नहीं होता यार, अब मेरा शरीर जवाब नहीं देता है, बस
ये बहाने आपको बर्बाद कर देंगे। इन बहानों का रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, जब बाद में आपका समय गुजर जाएगा ना, आपकी उम्र हो जाएगी ना, तब पता चलेगा, अरे यार मैं उस वक्त ये ऐसे बहाने नहीं करता तो मैं आज वहां होता, मैं उस वक्त ऐसे कार्य नहीं करता तो आज मेरी पोजीशन कितनी टॉप पर होती। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा और बहुत से लोगों को लोग पछताते भी हैं ऐसे बहाने करके। इसलिए लाइफ में तीन चीजें कभी मत करना। सम टाइम के लिए आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आप हैप्पी हो जाओगे, आपके लिए फायदा भी हो जाएगा, आपकी लाइफ थोड़ी बहुत आगे भी बढ़ जाएगी, लेकिन जब इन तीनों का रिजल्ट आएगा ना, झूठ धोखा और बहाने, इन तीनों का जब रिजल्ट आएगा ना तो आपकी लाइफ तो खत्म हो गई। समझो आपको आगे बढ़ना है ना तो हमेशा इन तीन चीजों से दूर रहना।